हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैं आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर में घूमने गया था। वहाँ जाके एक मंदिर में टेराकोटा का काम देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगा। वही वीडियो, ये छोटा सा एक टुकड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया। आज मैं टेराकोटा का ही काम आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ भी करने से पहले एक ड्राइंग पहले रेडी कर लेता हूँ। मैं वही आज भी किया और मैं लिया ये नेचुरल क्ले। इसको रेडी करने के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी में इसको रेडी किया तो मेरे काम के लायक सिर्फ बना लिया। मैं पहले मैं इसका एक प्लेट रेडी कर लूँगा। आज मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए मुझे चाहिए 8 इंच बाई 10 इंच का एक प्लेट, वही मैं पहले रेडी कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज काम करते करते टेराकोटा के बारे में जो हिस्ट्री मुझे पता है वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। टेराकोटा एक लातिन वर्ड है। टेरा मतलब मिट्टी और कोटा मतलब जलाना, मतलब पूरा मिट्टी। अब मिट्टी से अगर कुछ बनाए और उसको बाद में उसको अच्छी तरह से जला लिया तो इसको आप टेराकोटा बोल सकते हैं। फ्रेंड, मैं जो कागज़ के ऊपर जो ड्राइंग बनाया था वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको ट्रेसिंग पेपर से भी कर सकते हैं तो काम करने में आप लोगों को सुविधा भी होगा। ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा लूँगा और ड्राइंग के हिसाब से मैं इसके ऊपर लगाता हुआ जाऊँगा। और इसका जो थिकनेस जो होगा तो ये मैं 8 से 9 mm तक इसको मैं मोटा करके मिट्टी लगाऊंगा इसके ऊपर। और मैं थोड़ा सा इसका एनाटॉमिकल डिटेलिंग करने का कोशिश करूंगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये काम आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं टेराकोटा का जो हिस्ट्री के बारे में बोल रहा था, टेराकोटा का हिस्ट्री 5000 साल पुराना है। सिंधु सभ्यता के टाइम पे टेराकोटा का जो आर्ट फॉर्म है उस टाइम से चल के आ रहा है। सिंधु सभ्यता के टाइम पे मिट्टी का जो बर्तन हम लोगों को मिलता है, देव देवी का मूर्ति, स्वस्तिक चिन्ह, ये सब टेराकोटा आर्ट फॉर्म में ही बना हुआ है। और हम लोग अभी जो मिट्टी का जो बर्तन यूज़ करते हैं, जो जला हुआ मिट्टी का बर्तन जो होता है, वो सब ये टेराकोटा स्टाइल में ही आता है। फ्रेंड्स, हम लोगों के देश में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा टेराकोटा का काम देखने को मिलता है। एक्चुअली पार्टीशन से पहले बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में आर्टिस्ट लोग जो था उस टाइम पे, वो लोग बहुत पहले से ही ये काम सीख लिया था। तो इसलिए बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में बहुत सारा मंदिर मस्जिद में ये टेराकोटा का काम देखने को मिलता है। और बंगाल में बांकुड़ा जिला जो है, मतलब बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बिष्णुपुर में बहुत सारा ये टेराकोटा का मंदिर आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि जो आर्टिस्ट इतने साल पहले वो काम इतने खूबसूरत से किया था, वो आज धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहा है। टेराकोटा के काम के लिए सबसे अच्छा मिट्टी होता है लैटराइट सॉयल, मतलब जो जिसमें थोड़ा आठा ज़्यादा रहता है। और जिस मिट्टी में रेत का भाग ज़्यादा रहेगा वो मिट्टी से टेराकोटा का काम अच्छा नहीं होगा। फ्रेंड्स, टेराकोटा के काम के लिए अगर गंगा का मिट्टी मिले तो काम करने में बहुत सुविधा होता है। बहुत अच्छी तरह से ये काम गंगा का मिट्टी से होता है। मैं ये रथ के चक्का जो मैं बनाऊंगा, इसके लिए मैं एक मिट्टी का कॉयल सा बना लिया। इसको देके मैं रथ का चक्का बनाऊंगा। काम करते वक्त साथ में साफ पानी रखिएगा। जब ये काम करते करते थोड़ा ये मिट्टी सूख जाएगा
तो उसके ऊपर थोड़ा पानी दे के फिर आप जब मिट्टी बिठाइएगा तो ये अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा मिट्टी। और फिनिशिंग करने के टाइम भी थोड़ा ये पानी चाहिए, तुली से दीजिएगा या हाथ से दीजिएगा, जब ये इसको आप शार्प कीजिएगा तो थोड़ा पानी मतलब का ज़रूरत होगा। फ्रेंड्स, आप लोग जब कुछ जानना चाहते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे आंसर देने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसको माइंड मत कीजिएगा। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपका आंसर देने का पूरा कोशिश करता हूँ। और एक बात मुझे बोलना है, मेरा जो फ्रेंड हिंदी में लिखते हैं मेरे कॉमेंट सेक्शन पर, तो मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो इसलिए आप वही हिंदी में जो लिख रहे हैं वही आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, तो मुझे पढ़ने में सुविधा होगा और आपको आंसर भी मैं कर पाऊँगा। ओके फ्रेंड, मैं ये जो टेराकोटा का जो प्लेट मैं रेडी कर रहा हूँ, इसको मैं इस बार तो जलाया नहीं, लेकिन मैं आगे जब टेराकोटा का कुछ काम करूँगा तो घर पे आप उसको कैसे जला के बनाइएगा वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, आप अगर पहला पहला काम कर रहे हैं तो छोटा मोटिव पे काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए बड़ा सा कुछ मोटिव सिलेक्ट करके आप अगर बनाइएगा तो आपके हाथ ठीक ठाक सेटिंग भी हो जाएगा। और मैं सोच रहा था कि क्ले के ऊपर ही कुछ मॉडल आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, आप अगर चाहते हैं कि आपके मन के हिसाब से आपके पसंद के हिसाब से कुछ बना के मैं दिखाऊँ आपको, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो आपको आपके लिए मैं बना के दिखाऊँ। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मुझे लिखा था कि उनको हरिन बनाना है, तो मैं जल्दी ही एक हरिन बना के एक वीडियो आप अपलोड कर दूंगा, आप साथ में रहिएगा तो देख पाइएगा। ओके फ्रेंड,
फ्रेंड ये मेरा खास इंस्ट्रूमेंट है, यह है पेन का एक मुंह और इसे अभी लास्ट फिनिशिंग का काम मैं कर रहा हूँ। इतने देर तक मेरे साथ आप थे तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो पे, साथ में रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड।